एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सो आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अभी कितने बज रहे हैं? अभी 2 बजने वाला, आप लोग टाइम भी देख लीजिए। अरे नहीं दिख रहा, ये देखिए। तो आज है ट्यूसडे और पता नहीं ये व्लॉग कब ख़त्म होगा। मतलब संडे को तो मैंने व्लॉग अपलोड किया था, संडे का भी व्लॉग था, लेकिन आज फिर से स्टार्ट कर रही हूँ और थोड़ी बहुत क्लिप तो मैं डालूँगी ही। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को संडे का व्लॉग कैसा लगा। और आप लोग तो देख ही सकते होंगे मैंने आज बाल धोया है और मैं अभी शॉर्ट्स के लिए रेडी हो चुकी हूँ, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि हमारे बगीचे में एक मतलब एक टमाटर का पौधा है, तो उसके कुछ टमाटर पक गए। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए टमाटर, इन्हें तोड़ लेते हैं। तो मैं टमाटर रखने आई थी तो मैं रख चुकी हूँ। चलिए मैं आप लोगों को आम दिखाती हूँ। तो ये देखिए आम, आम किधर गए? चलिए मैं पहले आप लोगों को एक क्लिप दिखा देती हूँ। ए भगवान, आम किधर गए? तो पहले मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखा देती हूँ, आप लोग उसमें देख के बोलिएगा कि ये वाले जो आम मैंने अभी दिखाया और उसमें जो आम थे उसमें कुछ डिफरेंस। तो ये देखिए इतनी सॉरी, होंगे क्या हुआ है, मतलब चोरी हुई किधर किधर है, मतलब ये देखो यहाँ पर भी है। अब पिछले साल हुआ और इस साल में भी हो गया। ये है हमारा ड्रमस्टिक का पेड़, जिसमें ड्रमस्टिक नहीं है क्योंकि ये काट दिया गया है, लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो तो हम खाते हैं। लेकिन ये देखिए हमारे जो साइड घर के, मतलब ये पड़ोसी जो है, इनके घर के कितने अच्छे हैं। मतलब उनके घर में एक पपाया का पेड़ है, जब भी वो पपाया तोड़ते हैं तो वो हमें ज़रूर देते हैं। और जब मम्मी को चाहिए होता है तो मम्मी भी मांगती है, मतलब तो वो तोड़ के देते हैं। और आप लोग ही सोचिए, अगर मेरी मम्मी मतलब अकेले चली जाएगी, मतलब बिना बोली चली जाएगी और पपाया तोड़ के आ जाएगी, तो शायद मम्मी को अच्छा लगेगा, लेकिन उन लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा। और अगर हम पकड़े भी गए, मतलब इमेजिनेशन है, अगर हम पकड़े गए तो वो तो हमारे साथ मिक्स नहीं होंगे। और अगर उन्हें पता नहीं भी चला तो मन से एक बद्दुआ तो निकलेगी ना, मतलब जो बहुत ही प्रॉब्लम करेगा, मतलब जो अच्छा नहीं है, लेकिन वो लोग समझते नहीं है। वेलकम बैक अगेन। तो ये है दूसरा दिन और मैं आज फिर से ये व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं तो शाम को ट्यूशन चली गई थी। वहाँ से आने के बाद मुझे कराटे क्लास भी जाना था और वहाँ से लौटते लौटते 9:30 बज गए इसलिए। और रात को भी क्या ही व्लॉगिंग करूँ, कुछ तो ऐसा खास नहीं है दिखाने के लिए, इसलिए मैं आज फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इधर लंच बनाया जा रहा है, चलिए मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। तो आप लोगों को तो ये पता ही होगा, ये वीट है, ये मिक्स दाल और ये पोहा। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हम उनसे खाना बनाएंगे, रसोई करेंगे, तो ऐसा नहीं है, मम्मी उससे कुछ बनाएगी। मतलब आप लोगों ने भी ये खाया होगा, हमारे लैंग्वेज में इसे छतुआ बोला जाता है। मतलब जो भी ओडिया लोग ये व्लॉग देख रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा छतुआ। वैसे तो ये बस छोटे ही नहीं, बड़े लोग भी खा सकते हैं और ये अच्छा होता है। तो वही मेरी मम्मी बनाती है और मेरी बहन वो खाती है, ये देखो। तो जिन लोगों को पता ही कैसे बनाया जाता है उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ये जो सब है मैंने आप लोगों को जितना भी दिखाया, उन्हें पहले धोया जाएगा, फिर उन्हें अच्छे से सुखाया जाएगा, फिर उसे रोस्ट किया जाएगा, उसके बाद उसे ग्राइंड करके, पूरा मिक्सचर में ग्राइंड करके उसे पूरा पाउडर बना लेना है, फिर वो मेरी बहन खाती है और उसमें और भी बहुत कुछ डाले जाता है। तो जब मम्मी बनाएंगी मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी, मतलब इसी बीच में ही बनाएंगी कुछ दिनों के बाद, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग बताइएगा
कि आपके वहाँ कितनी गर्मी हो रही है, हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत बढ़ गई है। पहले शाम को बारिश आ जाती थी तो अच्छा लगता था, लेकिन अभी गर्मी बहुत बढ़ गई है क्योंकि कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई है। और देखिए वो वहाँ नौटंकी करी किधर गई, ये देखिए यहाँ नौटंकी बज। ओ आप लोग बताइएगा वहाँ कितनी गर्मी हो रही है। आप लोगों ने तो मेरा संडे वाला व्लॉग ही देख व्लॉग देखा होगा, तो बहुत अच्छा लगा उसके घर जाके। मतलब मेरी उम्र की है लेकिन इतना मस्त खाना बनाती, मतलब कितनी छोटी है वो, तो मुझे तो नहीं आता। तो आप लोग बताइएगा कि मुझको खाना बनाना सीखना चाहिए कि नहीं। मुझको तो बनाना नहीं आता है लेकिन वो इतनी छोटी होकर इतना अच्छा खाना बना लेती है। तो चलिए मैं आप लोगों को और एक भी चीज़ दिखाती हूँ। तो जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरी मम्मी ने अपने लिए एक ड्रेस बनाया था, वो कैसा बनाया है आप लोगों ने तो कुछ बताया नहीं, हमें पता भी नहीं चला। तो चलिए मैं और एक चीज़ दिखा। तो ये देखिए, इससे भी मम्मी एक ड्रेस बनाने वाली अपने लिए, मतलब पैंट शर्ट दोनों बनाएगी, मतलब ऊपर नीचे दोनों के लिए। ये ड्रेस कपड़ा नहीं है, ड्रेस के लिए कपड़ा नहीं है, ये पैंट कपड़ा है लेकिन बहुत बड़ा है, इसलिए मम्मी ने बोला कि इसमें ऊपर का नीचे का दोनों हो जाएगा, इसलिए मम्मी दोनों बनाएंगी। सो वेरी गुड इवनिंग, मतलब ये दूसरा दिन नहीं है, ये आज का ही दिन है, लेकिन मैं फिर से शाम को स्टार्ट करी। और चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। टन टन, तो कुछ फ़र्क दिख रहा है। मैंने आप लोगों को और भी कई व्लॉग में ये फूल के पौधे दिखाए होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फिर से क्यों दिखा रही हूँ, तो कुछ तो अलग लग रहा है ना। अगर कुछ अलग लग रहा है ना, मतलब ये फूल के जो पौधे थे ये तो पहले नॉर्मली थे जब मार्केट से लाए गए थे, लेकिन अभी इसे ये छोटे छोटे कुंडी में लगा दिया गया। क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, मतलब इन फूलों को उनके फ्लावर बेस में लगा दिया गया है, इतने छोटे छोटे, तो बहुत खूबसूरत दिख रहे होंगे। और आप लोगों ने अगर मेरा पहले वाले व्लॉग नहीं देखे तो आप लोग वहाँ जाके देखिए, ढूंढ ढूंढ के देखिए, उसमें तो आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा कि ये फूल के पौधे कैसे थे, मतलब किस हालत में थे और अभी कितने सुंदर दिख रहे हैं। और एक भी खुशखबरी है, मेरी मम्मी फिर से डाइट में आ चुकी है, मतलब अभी अगर डाइट करेगी ना, मतलब डाइट में तो आ चुकी है, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट करेगी, मंडे से लेकर सैटरडे तक पूरा फुल डाइट, मतलब स्ट्रिक्ट डाइट। फिर संडे को कोई डाइट फाइट नहीं, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो हमारी छुट्टी हो जाती है ना संडे को, उसी तरह नो वर्कआउट संडे को मम्मी का, बस पेट पूजा। और ये देखिए मेरे पैर में चोट लग गया है, और चोट कैसे लगा वो भी मुझको नहीं पता, आज सुबह सुबह जब मैंने देखा तो छिल गया था, इसलिए आज सुबह मैं बैंडेड लेके आई और अभी बैंडेड किया हुआ है, आप लोगों ने तो अभी अभी देखा ही होगा। आप लोगों को एक भी चीज़ बतानी है, आज ना चिकन बनने वाला है। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि अगर डाइट में है तो नॉनवेज किस लिए, तो इसमें मम्मी की कोई दोस्त नहीं, मैंने ही थोड़ा जिद किया था कि आज चिकन बनाओ, और मेरी मम्मी को भी नहीं पता था, मैंने पापा को छुपके से बोल दिया था कि चिकन ले आना, और जब मम्मी ने देखा तो मम्मी तो चिढ़ रही थी लेकिन मम्मी बनाएगी फिर भी, मम्मी तो चिढ़ रही थी लेकिन वो फिर भी बनाएगी चिकन, और मैंने ही ज़्यादा जिद की थी। और पापा तो आज नहीं खा पाएंगे हाँ घर में, क्योंकि उनको एक पार्टी में जाना है, फेस्ट है उनका, तो मैं तो अकेले इतना सारा नहीं खा सकती, इसलिए मम्मी भी खाएगी थोड़ा सा। और हाँ, और एक बात, मेरी बहन जब पैदा हुई थी ना तो मेरी मम्मी तो 76 की थी, तो मम्मी ने एक्सरसाइज करके डाइटिंग करके 52 में आ गई थी, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरी मम्मी की स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है और कितने प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मतलब पेन के लिए मम्मी का एक्सरसाइज और डाइटिंग बंद हो गया और मम्मी का वेट फिर से गेन हो गया और वो 60 में आ गई थी। तो अभी फिर से मम्मी ने डाइटिंग स्टार्ट किया है और इतने दिनों के बाद एक्सरसाइज करने के बाद ना मम्मी की हालत पूरी टाइट हो गई है, मतलब मम्मी को बहुत पेन हो रहा है शरीर। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारी धमाकेदार रेसिपी, चिकन भुना मसाला। तो ये रेसिपी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी बहुत कुछ बाकी है,
तो जब पूरा हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो तकरीबन ये बन चुका है और अभी मेन मसाला डाला जाएगा, मतलब ये जो मसाला है इसे रोस्ट किया गया है, फिर इसका पाउडर बना दिया गया है। और ये सूखा सूखा ही अच्छा लगता है, लेकिन जबकि हम चावल खाएंगे तो इसे थोड़ा थिक ग्रेवी रखा जाएगा। मस्त दिख रहा है ना, मेरा डिनर आ गया। तो मैं डिनर कर चुकी हूँ और बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी मुझे, इसलिए मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ नहीं दिखा पाई। और मैं 9:30 को कराटे से आई, बहुत लेट हो गया था। तो गुड न्यूज़ ये है, ये मेरे कराटे की बेल्ट का सर्टिफिकेट है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज है और एक दिन, चलिए मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मैं ये व्लॉग कब एंड करूँगी, बहुत चपड़ चपड़ कर रही हूँ, हम बोर हो गए, कब एंड करूँगी। तो क्या है ना, जिस दिन हमारा कुछ स्पेशल होता है वो उस दिन का व्लॉग तो एक व्लॉग में आ जाता है, लेकिन डेली तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए थोड़ा बहुत भी जो स्पेशल होता है मैं वो दिखा रही हूँ। और आज भी कुछ स्पेशल है, मतलब आज है सावित्री व्रत। ये जो सावित्री व्रत होता है खासकर मैरिड वुमेन्स करते हैं, ये मैं जो शादीशुदा औरतें हैं वो लोग करते हैं, और अपनी ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, वो आज मेरी मम्मी भी करेगी। और ये सच है या झूठ, मतलब लोग कहते हैं ना कि ये करने से पति की लंबी उम्र बढ़ती है, सच। आज है सावित्री व्रत, तो क्या कुछ लोग ना मंदिर में जाके पूजा करते हैं, या तो घर में कर लेते हैं, कोई ब्राह्मण ला के पूजा करता है, या तो खुद से कर लेते हैं, और उस दिन पूरा प्योर वेजिटेरियन बनाते हैं और सुबह सुबह उठ के सारा कुछ काम खत्म कर देते हैं, मतलब पोछना धोना झाड़ू करना वो सब खत्म कर लेते हैं और पूरा नया ड्रेस पहन के पूजा करते हैं। तो वही आज मम्मी भी करने वाली है, मतलब सारे काम तो खत्म हो चुके हैं, बस मम्मी को पूजा करना बाकी है। और मेरे पापा ने मेरी मम्मी के लिए, मतलब मम्मी के लिए एक नया ड्रेस लाया है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मतलब वो रात को कल जाके लाए, कल रात को जाके लाए थे वो। और पूरा दिन आज मम्मी फ्रूट्स खा के ही रहेगी। ये पैंट है, ये मतलब टॉप कपड़ा है, मतलब ऊपर के लिए, और ये चुन्नी है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि साड़ी पहना जाता है, ये ड्रेस क्यों है। तो मेरी मम्मी को ना साड़ी पहनना इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब जो मम्मी को कंफर्टेबल लगता है मम्मी वही पहनती है, मतलब जो बाहर रखी है जो कंफर्टेबल लगता है वही पहनती है मम्मी। साड़ी बहुत रेयरली पहनती है, अगर मम्मी को इच्छा हुई तभी जाके वो पहनती है। मम्मी के नए कपड़ों से भरा हुआ है, और आप लोग भरोसा नहीं करोगे, जब मेरी मम्मी शादी करके आई थी तब के कपड़े भी अभी तक मम्मी ने रखे हुए, सिलाई नहीं किया है, लेकिन एक दिन सिलाई करके पहनेगी, लेकिन बस एक बार पहनेगी फिर टाटा बाय। और अगर कोई मेरी मम्मी के कपड़ों का कलेक्शन देखेगा ना, मम्मी की साड़ियों का कलेक्शन, तो पागल ही हो जाएगा। मम्मी सस्ते वाले खरीदती है लेकिन सबसे सुंदर वाले। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, मतलब एक कहानी की तरह है, मतलब मेरी जो छोटी बहन थी ना, तो उसका जो फर्स्ट बर्थडे था वो तो धूमधाम से ही किया जाता है, तो मेरी बहन का भी फर्स्ट बर्थडे धूमधाम से ही किया गया था। और मेरा कपड़ा सबसे ज़्यादा कॉस्टली था, फिर मेरे पापा का, फिर मेरी बहन का कॉस्टली था, शायद उसका 1000 के ऊपर था। और मेरी मम्मी का जो था, मतलब मम्मी को वैसे तो ज़्यादा सिंपल भी पसंद नहीं है, ना ही ज़्यादा डिज़ाइन वाला पसंद है। तो हम जब मार्केट में जाके देखे तो मम्मी का मतलब जबकि मेरी बहन है वो लड़की है ना, तो इसलिए हमारा पूरा जो थीम था वो पूरा पिंक करके डिज़ाइन किया गया था, मतलब जहाँ पर हम बैठेंगे वो पिंक था, पूरा डिज़ाइन करके पिंक किया गया था, मतलब हम भी पिंकी हो गए थे। तो मम्मी के लिए जब हम साड़ी देखने गए, मतलब मम्मी भी गई थी, तो मम्मी का शायद 4000 ना कितना बोला था, तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं चाहिए ऐसा साड़ी। और वो साड़ी में एक बहुत प्लेन साड़ी था, लेकिन उसमें एक सुंदर सा बॉर्डर लगा हुआ था नीचे, बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली था, मतलब 4000 के आसपास। तो मम्मी ने बोला कि मैं ऐसा साड़ी तो खुद से बना लूँगी, तो हम लोग चौंक गए। तो मम्मी एक दुकान से 200 रुपये में शायद एक पिंक कलर का साड़ी ले आई, नॉर्मल सा, और दुकान में जाके बॉर्डर के लिए देखी, तो उन्होंने बोला कि वो 1000 के आसपास है, मतलब 1000 के ऊपर है। तो मम्मी ने ऑनलाइन ढूंढा और ऑनलाइन में एक मिल गया, सस्ते में था, वो मम्मी ने मंगवा लिया और मम्मी ने घर में बना लिया, और इतना सुंदर बना कि वो देखने से कोई बोलेगा नहीं कि मतलब वो 800 रुपये का है, मतलब
मम्मी ने खुद बताया था वो 800 रुपये में बन गया, 800-700 रुपये में। और कोई देखेगा तो ये भी बोलेगा कि वो इतने सस्ते में बना है, जो भी देखेगा वो तो बोलेगा ही कि वो बहुत ही कॉस्टली है वो साड़ी, लेकिन मम्मी ने वो 800-700 रुपये में बना लिया था और वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और पापा ने जो मम्मी के लिए एक ड्रेस लाया जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, तो मम्मी बोल रही कि उसमें भी कुछ मॉडिफाई करेगी, मतलब तो उसमें कुछ चेंज करेगी। तो क्या चेंज करेगी, क्यों मॉडिफाई करेगी, वो मैं आप लोगों को और एक ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो और कुछ ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि ये ब्लॉग वैसे भी इतना लंबा हो चुका है और भी लंबा हो जाएगा। और हाँ, और एक बात कि संडे तो हमारा स्पेशल होता ही है, वो तो हमारे लिए नॉनवेज का दिन होता है, तो उस दिन कुछ और भी बहुत खास रेसिपीज़ बनने वाले, बहुत अच्छे अच्छे रेसिपीज़, टेस्टी टेस्टी। तो वो देखने के लिए आप लोग वो संडे का व्लॉग ज़रूर देखना। खैर, ये व्लॉग अभी तक का था, मतलब अभी ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं संडे वाले व्लॉग में, इंटरेस्टिंग व्लॉग में, टेस्टी वाले व्लॉग में, जिसमें बहुत ही मस्त मस्त रेसिपीज़ बनेंगे। तो मिलते हैं संडे वाले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर व्लॉग लगा अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।